हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे, क्लियर मैं आपको समझाऊंगा जो आप पैकरी बिजनेस क्यों करना चाहते हो। आप अपना दिल से हाथ रख के सोच लेना, आप ठंडा दिमाग से आप सोचिए जो आपको बैकरी बिजनेस क्यों करना है। आपको हर महीने में लाखों रुपया कमाना है, आपको ऑफिस में बैठ के आराम का जिंदगी जीना है, आप इसलिए करना चाहते हो तो आप बेकारी बिजनेस मौत कीजिए। क्योंकि आपको दिमाग में ये है कि आपको दोस्त महीने में 2 लाख से 4 लाख रुपया कमा रहा है, आपको जो सामने वाला है वो हर महीने में लाखों रुपया कमा रहा है बेकारी बिजनेस करके। चाहे आप नौकरी करते करते थक चुका है, अपना बॉस का डांट सुनते सुनते आप थक गया है, इसलिए आप बेकारी बिजनेस करना चाहते हो, तो ये आपको गलत डिसीजन है। क्योंकि आप बेकारी बिजनेस में कम से कम 1 साल 1.5 साल आप कमा नहीं पाओगे। आपको सोच ये है जो मैं जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट करूँगा उसी दिन से मैं कमाने लगूँगा, तो ये आपको गलत डिसीजन है। क्योंकि आप जिस दिन से बेकारी बिजनेस स्टार्ट करोगे उसी दिन से आप कमाई नहीं कर पाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको दिल टूट जाएगा, आपको बिजनेस में मन नहीं बैठेगा, आप बिजनेस में फेल हो जाओगे। आप ये सोच के आया है तो आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि आपको 1 साल तक बेकारी बिजनेस से आपको कोई कमाई नहीं मिलेगा, फिर भी आप 1 साल तक अपना फैक्ट्री आप चला पाओगे, आपको मतलब बैंक का EMI देने में कोई तबलीग नहीं होगा, आपको फैक्ट्री चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको ठीक है। लेकिन आप बैंक से लोन उठाने के बाद उसी पैसा से आपको बैंक का EMI देना होगा, आपको ऑफिस स्टाफ का सैलरी देना पड़ेगा, उसके बाद आप भी सोचोगे मैं लाखों रुपया कमाऊंगा उसी पैसा से मैं मौज मस्ती करूंगा, तो ये आपके लिए गलत डिसीजन है। क्योंकि आप बिजनेस में तब कमा पाओगे जब आप बिजनेस में सक्सेस होगे। सक्सेस आप कब होगे, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना नाम को ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपको नाम को एक पहचान बनाना पड़ेगा, आपको फ्रेश वैल्यू बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्योंकि बेकारी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है माल बेचना, आपको और कोई दिक्कत नहीं है, आपको फैक्ट्री में क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा तो वो आप दूसरा मिस्त्री दूसरा कारीगर ले आ सकते हो, उसके बाद अपना काम आप ठीक कर सकते हो, लेकिन माल बेचना ये सबसे दिक्कत वाली बात होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को सक्सेस लाने के लिए, आपको लाखों रुपया कमाने के लिए आपको 1 से 1.5 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं हमारा ही बात करता हूँ आपसे 2 मिनट का, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये कम से कम 1 साल हो चुका है, 1 साल में कितना सब्सक्राइबर हुआ है मेरा 3000, वो 3000 सब्सक्राइबर में मेरा कितना व्यू जाता है रोज़, 300-400, ज़्यादा से ज़्यादा 500, मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो आप देखोगे तो 21000 व्यूज है, मतलब सबसे हाईएस्ट व्यूज है 21000 एक वीडियो में, बाकी 4000, 5000, 2000, 3000, 400, 500 इस तरह है। और अभी तक मैंने यूट्यूब से 1 रुपया भी कमाई मैंने नहीं किया, अरे कमाई करूँगा ये सोच के मैंने यूट्यूब चैनल बनाता तो मैं कोई कॉमेडी चैनल बनाता, कोई सॉन्ग का चैनल बनाता, ना तो ब्लॉगिंग करने के लिए ब्लॉग चैनल बनाता, तो उसमें मैं कोई ब्लॉग चैनल कॉमेडी चैनल चाहे कोई इंटरटेनमेंट चैनल मैंने बनाता, तो आज तक मैंने 5-10 हज़ार रुपया हर महीने में कमाना स्टार्ट कर देता। लेकिन मैंने आज नहीं कमाया ये ठीक है, लेकिन मेरा जो बिजनेस आइडिया जो वीडियो है, आप बिजनेस करने के लिए YouTube में आते हो, सर्च करते हो, वीडियो देखते हो सीखने के लिए, इस तरह आपका बाद जो आपका बच्चे आएगा वो भी इस तरह YouTube में खोजेगा ढूंढेगा जानने के लिए सीखने के लिए, उसके बाद आपको पोता भी आएगा वो भी इस तरह खोजेगा देखेगा सीखने के लिए। क्योंकि एक बार ये डाल दिया, आज इनको जो गति है, इनको जो स्पीड है थोड़ा स्लो है, लेकिन जब ये बढ़ेगा तब ये रुकेगा नहीं। इस तरह आप शुरुआत में ये सोचोगे जब मैं पैसा कमाऊंगा तो आप कितना दिन कमाओगे, 6 महीना 1 साल
उसके बाद आपको क्या होगा, आपको कमाई आना बंद हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में जब आप कमाना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या होगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, क्वालिटी आपको खराब करना पड़ेगा। आप मान लो मार्केट में एक 7 रुपया में प्रोडक्ट कोई बेच रहा है, आप वही प्रोडक्ट ले जाओगे 6.5 रुपया में आप दोगे सेल को, आप बढ़ाने के लिए माल को बेचने के लिए, तो आपको तो नहीं पुसाएगा ना, तो आप क्या करोगे, क्वालिटी आप खराब करोगे। तो उसमें आप कितना दिन कमा पाओगे, 6 महीने 7 महीने 1 साल, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा। शुरुआत में कमाई के लिए सोचोगे तो बेकारी बिजनेस आप मत कीजिए, क्योंकि बेकारी बिजनेस में आपको कमाई तब होगा जब आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, जब अपना आप ऑर्डर आने लगेगा, जो आपको रोज 500 किलो से 1000 किलो काम होगा तब। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। कमाई तो है, ये नहीं है जी आपको कमाई नहीं होगा, आप कमा नहीं पाओगे, कमाई है लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। और उसी टाइम देने के लिए आपका पास टाइम है तो ठीक है, लेकिन आपको भी 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप इंतजार नहीं करोगे, पहले दिन से आप घंटा बजाओगे तो नहीं चलेगा। तो इंतजार आपको करना पड़ेगा, और इंतजार करने के साथ साथ आपको 3 चीज जरूरी मतलब फॉलो करना पड़ेगा, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा, मार्केटिंग अच्छा से करना पड़ेगा, और आपको पहचान बढ़ाना पड़ेगा। लोग आपको जो पहचानेगा, जो आपको फैक्ट्री को लोग मतलब पहचानेगा, आपको प्रोडक्ट को लोग पहचानेगा, तब लोग खुद आपसे ऑर्डर करेगा। और जिस दिन से आपका पास ऑर्डर खुद आने लगेगा, उस दिन आप सोच लेना जो आपका बिजनेस सक्सेस हो चुका है, क्योंकि और कोई आपको पीछे मुड़ने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार जो आपको ऑर्डर आने लगेगा, जो आप एक बार सक्सेस हो जाओगे, जब आपको किसी को फ़ोन करने का जरूरत नहीं होगा, तब आप सोच लेना जो और आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा। जब एक बार आप मार्केट में विश्वास जीत लोगे, आपको जो लोग विश्वास करने लगेगा, जो आपको प्रोडक्ट का ऊपर लोगों को विश्वास हो जाएगा, तब आप महीने में लाखों रुपया कमा सकते हो। लेकिन शुरुआत में आप किसी को देख के जो हाँ कोई एक बंदा 4 साल 5 साल से फैक्ट्री चला रहा है, वो महीने में लाखों रुपया कमा रहा है, उनको अच्छा खासा काम चल रहा है, आप वही लालच में आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप भी सोचोगे मैं महीने में लाखों रुपया कमाऊंगा, लेकिन जब आप कमा नहीं पाओगे तो आपको दिल टूट जाएगा, आप हार जाओगे, आप बिजनेस बंद कर दोगे। तो हमेशा आपको दिमाग से ये सोच हटाना पड़ेगा जो मैं शुरुआती दिन से मैं कमाऊंगा। कमाने के लिए आपको 6 महीने 1 साल टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री में टाइम देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कमाई का जो बात है वो आपको दिमाग से हटाना पड़ेगा। मैं आज अपना चैनल से नहीं कमा रहा हूँ, ठीक है, अभी पता ना मेरा 1 साल भी लग सकता हो यूट्यूब से मेरा पेमेंट आने के लिए, उसमें हमारा कोई भी दिक्कत नहीं है, और उसमें हमारा कोई भी मतलब दिल में दर्द भी नहीं है जो हमारा कमाई क्यों नहीं हो रहा, और भी कमा रहा, हम क्यों नहीं कमा पा रहा, क्योंकि हम शुरुआती दिन से कमाने के लिए नहीं आया। मैं लाइफ टाइम कमाना चाहता हूँ। जब मेरा एक बार कमाई स्टार्ट हो जाएगा तो और बीच में बंद नहीं होना चाहिए, लाइफ टाइम मेरा कमाई आना चाहिए। इसलिए मैं अभी शुरुआत में मेहनत कर रहा हूँ, मेरा आखिरत में लास्ट में ये मेरा एक दिन कमा के देगा। इसी तरह आप अपना दिल से पत्थर रख के आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करोगे, आप ये सोचोगे आज मैं नहीं कमा रहा हूँ लेकिन मैं जब कमाना स्टार्ट करूँगा तो लंबा टाइम तक मैं कमाऊँगा, ये सोच के जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इससे हार नहीं मानोगे। और शुरुआती दिन से या कंपटीशन करके आपको पैसा कमाना ही है, आप जब ये सोचोगे तब आप किसी का दिल नहीं जीत पाओगे, आप किसी का विश्वास नहीं जीत पाओगे, अच्छा क्वालिटी मार्केट में नहीं दे सकते हो आप, समझ गया ना। तो आप पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपका पास 10 लाख रुपया है, लेकिन 10 लाख रुपया के बाद आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपको 10 लाख में भी बिजनेस करना है, तो आप 10 लाख रुपया खर्चा मत कीजिए ना, आप 6 लाख रुपया लगाइए, 7 लाख रुपया लगाइए, 3 लाख 4 लाख रुपया आप अपना पास में रखिए, बड़ा बड़ा मशीन लेने का जरूरत नहीं है।
आपका पास बजट कम है, फंड कम है, तो आप सेकेंड हैंड मशीन लीजिए, छोटा बिजनेस आप स्टार्ट कीजिए। जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तब तो आपका बड़ा बड़ा मशीन भी आ जाएगा। शुरुआती में क्या होता है, बड़ा बड़ा मशीन लगा लेता है, जितना आपका पास फंड होता है वो फंड आप पूरा के पूरा फैक्ट्री में खर्चा कर देता है, मशीन का ऊपर खर्चा कर देता, पाउच का ऊपर आप खर्चा कर देता। उसका बाद जब आपका पास फंड खत्म हो जाता है तब आपका पैसा का जरूरत होता है, तब मार्केट में आपको सेल हो चाहे ना हो, मार्केट में आपको डिमांड हो चाहे ना हो, लेकिन आपका डिमांड होता है माल बेचने के लिए, आपको ज़रूरी होता है क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है। तो अब आप क्या करते हो, उसी टाइम कम रेट में माल छोड़ देते हो, तो उसमें क्या होगा, आपको एक तो लॉस होगा ना तो आपको क्वालिटी घटाना होगा। तो इस तरह आप कितना दिन चलाओगे, 4 महीने 6 महीना, उसके बाद लोगों का जो विश्वास है आपके ऊपर वो विश्वास ही हट जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरा बात को समझ गया है जो मैं क्या कहने वाला हूँ और आपको क्या समझाने वाला हूँ। आप थोड़ा सा ठंडा दिमाग में ये वीडियो देखा है तो वीडियो का जो भी मैंने बताया है आपको ये बात समझ में आ गया हो और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक आप जरूर कर देना। इस तरह बेकारी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।